हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त नमन राजपूत और आपका अपने यूट्यूब चैनल नमन गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो दोस्तों मेरे से बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछा जाता है। यहाँ पर आपको पता है मैं अपने इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक मुझे बहुत ज़्यादा जो कमेंट जो मिलती है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना क्रेडिट कार्ड किस तरह से बनवा सकते हैं और अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम किस तरह से अपना क्रेडिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बनवा सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप कहीं पर अगर जॉब करते हैं, तो आप स्टेट बैंक में किस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आप क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद आपको क्या क्या बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। सो दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, यानी आपकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या आपको किसी भी बैंक में अगर अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो सबसे पहले आपको अपना उस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना होगा। सेविंग अकाउंट ओपन कराने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों उस अपने सेविंग अकाउंट में एक काफ़ी ज़्यादा बल्क में ट्रांजेक्शन करनी होगी, यानी आप वहाँ पर मंथली बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप कई लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ पर अपने अकाउंट में आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं और आपका जो सिविल स्कोर है वो ट्रांजेक्शन करने की वजह से काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है और दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। और के लिए जिस बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है या हमारा स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो हमें सबसे पहले अपने नियर बाई बैंक में विजिट करना है। और जैसे ही हम नियर बाई बैंक में विजिट करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों हर एक बैंक में एक क्रेडिट कार्ड के लिए एक स्पेशली बंदा हायर किया हुआ होता है, यानी एक स्पेशल जो पर्सन है वो आपका पर्टिकुलर बैंक में होता है। आप जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप उस बंदे से जाकर मिलें कि सर हमें क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, वो आपका पैन कार्ड आपसे लेंगे और आपका आधार कार्ड आपसे लेंगे और वो अपने सिस्टम पर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है वो आपका वहाँ पर चेक कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर जो डाउन है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, और आपका सिविल स्कोर अगर एक अच्छा है तो आपको क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट हैं और आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, तो स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वहाँ पर दोस्तों उसकी सिविल स्कोर जो है काफ़ी हद तक बहुत कम होती है, तो स्टूडेंट को अपनी सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिस बैंक में भी उनका सेविंग अकाउंट है वहाँ पर उन्हें एक अपनी एफडी कर देनी है। जैसे ही दोस्तों वो एक एफडी कर देंगे तो उस बंदे का सिविल स्कोर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और वो एलिजिबल हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। सो जैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप बैंक में जाइए और अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपका सारा कुछ प्रोसेस ठीक हुआ, आप एलिजिबल हुए, तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा और दोस्तों क्रेडिट कार्ड 30 से 45 दिन में बनकर आपके घर पर बाय पोस्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड लें, अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो भी उस क्रेडिट कार्ड को जब आप कैश विड्रॉल या कोई भी उससे शॉपिंग करते हैं तो जो आपकी उस कार्ड से शॉपिंग करने की लिमिट होती है आप उस लिमिट को टाइम से चुकाइए। अगर आप दोस्तों टाइम से उस लिमिट को नहीं चुकाते हैं तो आपकी जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है और आपको नेक्स्ट किसी भी तरह का लोन मिलने में काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती हैं। और अगर हम अब क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जब हमारी ऑनलाइन कंपनियों की बहुत सारी शॉपिंग चलती रहती है तो वहाँ पर अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड पर हमें 10% 20% तक की छूट मिल जाती है, यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी शॉपिंग की आप जो पेमेंट करते हैं तो आपको अपने बिल पर काफ़ी हद तक छूट मिल जाती है। सो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने के बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर अपना क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है वो इस वीडियो को देखकर अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकें। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।